हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट जो क्लास 12th में हैं उनके फिजिक्स का न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन आपके सामने आपको दिख रहा होगा। साइड में आप देख लीजिए, इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के पार्ट हैं जो कि बेसिक भी हैं और अच्छे लेवल के भी हैं। देखिए, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, उसने बोला कि सर आप कैलकुलेशन करा रहे हैं, आप न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन न्यूमेरिकल के साथ लेकर आइए। देखिए, मैं जो आपके न्यूमेरिकल हल करवाता हूँ तो उसमें मैं लेकर के आता हूँ ना, क्या आप यार न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा उसमें कैलकुलेशन करूंगा, कितना टाइम लगेगा आप खुद बताइए। एक न्यूमेरिकल या तो लेकर के आऊं कहो तो। यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल का ही कैलकुलेशन लेकर के आ रहा हूँ और उसी को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आप इसको सीखेंगे तो खुद ही सीखेंगे। इस तरीके की पार्ट मैं बहुत बनाया हूँ और साथ ही साथ हर एक चैप्टर का मैं न्यूमेरिकल भी लेकर आऊँ। अभी आपका ऑप्टिक्स चल रहा है, किरण प्रकाश की चल रहा है, उसके बाद तरंग प्रकाश की, इन सबके हम पूरे न्यूमेरिकल हल करवा रहे हैं, तो वहां से समझिए आप ना। देखिए तो वीडियो, आप केवल यही देखते हैं तो क्या जाने। ठीक है, मैं यहाँ पर बताने चल डिस्कस नहीं करेंगे, अपने पॉइंट पर चलते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ पार्ट है, 5 पार्ट हमने लिए हैं, पांचों को यहाँ पर रख लो, जिसमें सारी चीजें समाहित हैं और सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी। इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले पेज पर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एक को कॉपी करके दिखाते हैं, एक एक को लगा करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हमें लेके चलना है उधर। चलिए इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्या चीज आया है। चलिए आ गया है काम भर के लिए, इसको मैं एक एक करके हल करता हूँ। सबसे पहले इसको हल करना है, ठीक है, इसको हल करना है, और यहाँ पर भी ये नहीं है, एक हल करना है। इसका गुणा भाग मतलब गुणा ही है आपको। देखिए, दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना, मतलब इसमें कि अगर आपको बेसिक एकदम सीखना है, बेसिक आखिर सर ये कैसे हुआ ना, तो हमारे चैनल पर पढ़ा, उसको प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो पा जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसका बेसिक नहीं पाएंगे, उसको भी पा जाएंगे। मैं यहाँ पर गुणा करना चाह रहा हूँ, आपके सामने यहाँ पर गुणा करूंगा और कैसे गुणा होगा उसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, जैसे देखिए आपको काम क्या करना है, पहले आपको ये दोनों का आपको एक नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना है, एक नॉर्मल गुणा कर लेना, मतलब आप 15-16 का गुणा कर सकते हैं, चाहे आप 15 का पहाड़ा 16 में पढ़ लीजिए, चाहे 16 का पहाड़ा 15 में पढ़ लीजिए। ये काम करना है, संख्या के दशमलव का काउंटिंग करना है। जैसे यहाँ पर है आपका, इसमें दशमलव काउंट आप राइट साइड करेंगे, इधर से देखिए, एक दो, दो पे दशमलव लग गया ना, गिनती कर रहे हैं कैसे पता चले। देखिए, एक दो, दो पे पहुंच गया, मतलब दो अंक के बाद दशमलव। इसी तरीके देखें कि इसमें एक 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 अंक पर है दशमलव, तो हम इसको पहले गुणा करते हैं। 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 छक्का 90 की 0 हासिल, 9 यानी कैरी 9। अब यहाँ पर 15 एकम 15 और 15 में हम 9 जोड़ देंगे, 15 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं 24, 24 लिखिए। ठीक है, मतलब हमारा 240 आ गया, कितना आ गया, 240। तो 240 हमारा आ गया, उसको हमें कैसे लिखना है, देखिए लिख के दिखाते हैं आपको 240 कैसे लिखना है। इस तरीके से लिख दिए, 240 लिख दिए ना। अब हमें 240, अब बोलेंगे सर दशमलव वो कहाँ गया, दशमलव देखिए भी लगा रहे हैं हम आपके सामने लगाते हैं, देखिए दशमलव यहाँ पर 240 है, 15 छक्का 90 की 0, 15 एकम 15 और 15 में 9 जुड़ा हमारा 24। दशमलव इसमें देखिए एक अंक पर है, कितने अंक पर है, एक अंक पर, और इसमें दशमलव कितने अंक पर, एक, और एक और एक अंक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, अंक दो अंक, एक अंक दो अंक यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, इसका गुणा हो गया। कहीं पर गुणा करने के और 10 की घात -19 ये भी हो गया, हल हो गया, इसका गुणा हल हो गया और ये सवाल भी हल हो गया। इस तरीके से था,
उसके बाद हम चलते हैं आपके अगली सवाल पर। यहाँ पर अगली सवाल जो हमारे लिए, उस पर चलते हैं, ठीक है? तो अगली सवाल जो है उस पर चलते हैं और हम दिखाते हैं। तो अगली सवाल हमारी यहाँ पर है, ये सवाल हैं, इनको भी हम यहाँ पर आपके लिए इतना हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? इतना हम कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद ये सारा जा रहा है। कॉपी बार बार हो जा रहा है। चलिए यहाँ पर हम लिख लिख के काम करते हैं, नहीं तो उस तरह बहुत टाइम लग जाएगा, हो नहीं रहा है। ठीक है, हम लिख लिख के काम चला लेते हैं। 10 हमें लिखना है, यहाँ पर हम लिख के काम चला लेंगे, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, थोड़ा इसका हम नोटा कर लें। यहाँ पर है हमारा 10, उसके बाद आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, -10 और 15, -10 और 15। तो -10 गुणा -1 5 अपॉन, अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में 0 1, माइनस में है 0 1 है, -0 1 है, ठीक है, -0 1 है, ये माइनस में है, -0 1। यहाँ पर देखिए क्या क्या माइनस, दोनों में माइनस था, इसमें भी माइनस और बाकी माइनस में। अब इसको हल करना है, इसको कैसे हल करना है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहले काम इसको हमें क्या करना है कि इसमें हमें जो देख रहे हैं इसको हम ऊपर ऊपर चाहे तो गुणा कर, गुणा कर दो, गुणा कर दो, हम कह रहे हैं 10 का गुणा करो, 10 का गुणा करने से कुछ होता नहीं है। देखिए दो टाइप से गुणा करते हैं, एक तो हम जीरो का कभी भी दशमलव में गुणा करते हैं पॉजिटिव में, तो दशमलव हटता जाता है, हटते जाने का मतलब आप चाहे ना हम इसको गुणा करें ना तो ऐसे भी हो जाएगा, देखिए ये 15 हो जाएगा, केवल 15 हो जाएगा। बोलो कैसे, दशमलव, एक एक जीरो है और एक दशमलव भी है एक अंक, तो हट गया, समझ लो दशमलव से जीरो कैंसिल हो गया। दूसरे रूप, आप 10 का पहाड़ा पढ़िए तो 15 धामा 150, 15 धामा 150। अब इसमें देखिए एक अंक पर दशमलव है, तो एक अंक पर दशमलव है, अब बताइए तो 15 के बाद दशमलव के बाद 0 है, कोई मतलब नहीं, तो आया 15 ना ही, ठीक। और माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गया, बटा में नीचे 0 1 है, 0 1 है। अब हमें क्या करना है, इसका दशमलव हटाना है, 0 1 का 0 1 का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमारा 10 बढ़ जाएगा, ऊपर हमारा 10 बढ़ जाएगा, इधर हम 10 बढ़ा दिए और इधर हमने 1 लिख दिया, दशमलव इसमें का हट गया। तो सीधी सीधी बात आ गई कि इसको हम अगर लिखना चाहते तो हम 15 धामा 150 डायरेक्ट लिख सकते थे, और नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं, यानी 150 ही हम लिख सकते थे, 1 अब नीचे आ गया कोई मतलब नहीं। ये भी हल हो गया आपके सवाल, और हम चलते हैं अगली सवाल पर, दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारी अगली सवाल ये है, और इसमें क्या है, 176 कितना है, 176 हम लिखते हैं यहाँ पर दूसरे कलर से, -1.6 × 0.6 / 4 × 10³-3, कुछ ऐसा ही है, ठीक है? ओके, ये सवाल हमारी सही है। अब हम इसे हल करना है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने का फॉर्मूला कुछ नहीं है। हम इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, चाहे तो इसको हम गुणा कर सकते हैं, गुणा कर लीजिए तो दशमलव भी इसी तरीके से आपका काम हो जाएगा। 6 का पहाड़ा पढ़िए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 छक्के 36, 6 और 6 सत्ते 42, 42 3 45 और 6 के 6 6 4 10, 10 हो गया। और दशमलव इसमें 2 अंक पर है, इसमें 1 अंक, 3 अंक पर दशमलव हो गया, कुल कितने अंक पर हो गया दशमलव, 3 अंक पर हो गया। हम दशमलव इसमें 3 अंक पर लगा देंगे, यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आ गया। अभी तक बताइए एक पूरा होगा, इतना बुरा बुरा किए और एक ही प्राप्त हुआ हमें। अब इसको ये जो हमारा 10 घात 3 दिख रहा है ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हमारा इसमें 0.056 ये, और हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको 10 घात -3 की जगह +3 लिखेंगे, लेकिन हमें ऊपर मत ले जाइए, ऊपर क्या करेंगे, ले जाइए मत ले जाइए, क्या काम आ जाएगा ये भी मैं बताऊँ। इसको इधर निगेटिव में 3 अंक दशमलव चाहिए, इसको दशमलव हटाने के लिए 3 0 चाहिए, इधर इसके विपरीत में हमें 100 का गुणा चाहिए 1000 का, क्योंकि इसमें 3 अंक पर दशमलव, 3 अंक पर दशमलव, इसके विपरीत में गुणा करेंगे ना 1000 का, 1000 का मतलब वो समझ रहे हैं ना, 10 की घात 3 ही होगा, ये भी समझ सकते हैं, और 10 घात 3 + में 10 घात 3 - में कट जाएगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा रूल में कह रहा है कि आपका, हमारा जो रूल है अगला, कि हम क्या करेंगे जब कभी दशमलव हटाना हो तो उसके विपरीत में, उसके विपरीत साइड में हम क्या करेंगे, दशमलव का
माइनस में जो हमारा पावर होता है, हम लोग पावर 10 की पावर माइनस में जो, देखिए इसमें 3 अंक दशमलव है, तो 3 घात इसमें से हट जाएगा, ये मतलब कट गया दशमलव से, किससे कट गया दशमलव से, तो हमारा दशमलव यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो सीधा सीधा बात हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, ऐसा आ गया। अब नीचे आपका 4 बचा गया, इसका हम भाग करेंगे। जब भाग करेंगे आप भाग इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई कोई बच्चा का अगर भाग नहीं आता तो ये भाग भी कर सकते हैं ऐसे, तो सेम वही काम है इस तरीके से। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा, फिर इसमें 2 बचेगा, 4 छंग 34 होगा, और 1 जाएगा, 4 चौके 16 होगा, कुल मिलाकर 264 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 264 आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से हल हो जाएगा। अगली सवाल पर हम चलते हैं आपके लिए। अगली सवाल हमारी कौन सी है? यहाँ पर है अगली सवाल। अगली सवाल में हमारा कौन कौन सा सवाल है, पहले हम सवाल लिख लेते हैं। वो है आपका -100 100 क्या, 15,000 बटा आपका 0 -9, और इसके बटा है आपका 0.001, ऐसे कुछ है, देख लेते हैं एक बार। 0.001, हाँ सही है, माइनस में है और एक है और माइनस में, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लगाते हैं। चलिए देखिए इसको क्या करना है। पहला काम क्या है कि इसको दशमलव को आप, इसको पहले नंबर, इसको आप भिन्न को पूरी तरीके से सेफ लिख लीजिए, दशमलव को आप अच्छी तरीके से लिखिए। माइनस इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए -15,000 ये हो गया आपका इधर, और इस भिन्न को जब हम लिखेंगे तो उलट कर लिख देंगे। क्या कर देंगे? उलट कर लिख देंगे इस तरीके से। नीचे है ना, देखिए जो नीचे है इसको ऊपर कर देंगे और जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे। आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आपका सवाल भी हल हो जाएगा कुछ अच्छी तरीके से। अब इसमें इसका गुणा करना है, 0 में से 3 घटेगा नहीं, तो ये -3 ही आएगा, पता है ये -3 ही आ जाएगा, 0.001, और बटन में आपका 3 आ गया, निगेटिव यही आ गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 3 से काटते हैं, 3 5 15 5 आ गया, 0000 ये आपका आ गया। तो यहाँ पर आप क्या काम करना है, देखिए मैंने 0 का दशमलव बताया था, 3 अंक पर दशमलव है और 3 0 है, मतलब 0.00 कैंसिल, अब सीधा 5 1 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 5, और हमारा उत्तर 5 आ गया ना। अगर आप इसका गुणा भी करते हैं कि 5,000 का गुणा करेंगे आप 0.001 का, तब भी आपका यही 5 आएगा, क्योंकि मैंने इसको कर लिया, 3 0 का मतलब 3 अंक पे दशमलव, ये कैंसिल हो गया दशमलव से, इस तरीके से 5 आ गया। ठीक है, अब हम बच रही है हमारी एक सवाल बच रही है, और वो सवाल है आपका ये वाली, क्या है इसमें 20/5/0 कितना है, देख लेते हैं, 5/0.1, 5/0.1 है, ठीक है, 5/0.1 है, 0.1 है, ये हमारी सवाल है इसके। अब इसको भी वही काम जो इसके पहले वाली सवाल में किया, हमने वही काम करना है। 20 को आप ऐसे लिखिए, गुणा में आप इसको उलट करके लिखिए, आप देखिए 5 चौके 20 4 आ गया, और यहाँ पर 4 गुणा 0.1 बच गया, 4 में 1 गुणा करेंगे तो वही आपका 0.4, क्योंकि 1 से गुणा करने से कोई बदलने वाला नहीं, तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, क्योंकि 4 1 4। तो ये हमारा रहा इसमें का जितने भी सवाल थी, मैंने इसको बारी बारी से मैंने हल किया, और आपके सामने इसमें पूरी प्लेलिस्ट में कैलकुलेशन के लेके चल रहा हूँ, इसका भी PDF आपको मिल जाएगा, बाद में आप बताएंगे जब आपको कहेंगे तब हम कमेंट करना आपको देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर इसको सॉल्व करिए और इसी तरीके से करने की ट्राई करिए। मेरे चैनल पर बहुत प्लेलिस्ट हैं, आप एक बार चेक करिए, बेसिक एकदम सीख लीजिए, जोड़ घटाना पूरा भाग, भिन्न को सीखिए, दशमलव को हटाना सीखिए, लगाना सीखिए, कैलकुलेशन देखिए, पक्षांतर देखिए, सभी भी, और साथ ही साथ अभी एकदम बेसिक से हम 0 से स्टार्ट किए हैं कैलकुलेशन बेसिक ट्रिक की, उसको जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे पार्ट बना रहे हैं, उसको देख लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उसको आप ट्राई करिए और देखिए जल्द से जल्द, ठीक है, तो आप ट्राई करना देखना। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, और रही हमारे टेक्नो प्लस SD चैनल पर, और पढ़ते रहिए, एग्जाम आ गया है, पढ़ाई जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई करेंगे तभी आपका कुछ होगा, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होता है, याद रखना पढ़ाई जरूरी है और पढ़ाई करते रहिए। ओके चलिए चलते हैं, मिलते हैं, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मास्टरी मोबाइल।